पूर्वी दिल्ली के जो जातिगत जो समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, उस पर आपको खुद को समझाना चाहता हूँ। 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटे हैं और इतना ही लगभग दलित वोट है। पिछली बार का अगर वोट उठा के देखें तो 55 से 60% के आधार पर मनोज तिवारी ले गए थे। उस वक्त जो चुनाव हुआ वो एक खास पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है, उसका अभी तक किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा और एक प्रोपोगेंडा पूरे देश में फैलाया गया राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा। लोगों को समझने का और सोचने का मौका ही नहीं मिला। लोगों को लगा कि अब नहीं हुआ तो इस टैग के दम पर तो भैया वोट फिर जनता चला गया, मतलब एक तरफा वोट पड़ा, लोगों ने बिना सोचे समझे देश हित में वोट कर दिया। आज का जो चुनाव है 2024 का चुनाव है ना तो 2019 है ना 2014 है, एक खास एक प्रोपोगेंडा जो फैलाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, आतंकवाद, ठीक है, स्कूलों में बम, ये सब फेल हो गया। 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो खास जो मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव हो रहा है, तो मोदी और उसकी टीम इसीलिए ज्यादा परेशान है। और खासकर जो हमारे मनोज तिवारी अभूतपूर्व महामानव प्रचंड, ठीक है, ज्ञाता विज्ञान अर्थशास्त्री, जो ये कह रहे हैं 14,000 करोड़ का विकास हमने किया है, मुझे कोई ऐसी विधानसभा बना दो जो आपने पेरिस बनाई हो, या फिर मुझे आप ऐसा बता दो जो आपने गांव गोद लिया था वो कौन सा आपने टोक्यो बना दिया, योकोहामा बना दिया, नहीं तो आप एक सीधे सा बता दो। और रही बात आज भी तीसरे टर्म का चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, भोजपुरी कलाकार मुंबई से बोलत बानी, अब की बार अपने गाँव में बोलेंगे दिल्ली से बोलत बानी, बुरा समाचार बा, ठीक है, बेबी बीआरपी के नाचे बहुत हो गया। अब आपको थोड़ा और बता दूं, इन 10 विधानसभाओं में 14,000 करोड़ का काम बता रहे हैं, बता दो कौन सी विधानसभा में अपना 14,000 करोड़ छह, वो सिग्नेचर ब्रिज वाला घटना याद दिला दूंगा, जब धक्का देके नीचे भगाया था, भूल गए क्या? और उसका रिटेलिएशन, उसका बदला लेने के लिए आपने खजूरी चौक गांव में जो गांव है उस गांव के नीचे एक टेंट लगवा के आपने बिना किसी, जो रोड तैयार भी नहीं हुआ था उसका उद्घाटन करवाया। अरे आप तो नितिन गडकरी के कामों का श्रेय ले रहे, आपकी पार्टी में एकता नहीं है। अरे पहले पूछ तो लेते नितिन गडकरी से कि आप उद्घाटन करोगे या वो करेंगे। अरे अमानतुल्लाह याद है, नहीं याद है कैसे नीचे उतारा था और फिर कैसे आप भड़क गए थे? देखे आपने गली नहीं बनाई, हकीकत ये है। और आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें इस इलाके में मौजूद हैं कि अगर हम बताने लगे तो वो बहुत ज्यादा एकदम प्राइवेसी का मैटर चला जाएगा, इसीलिए अब सीधे सीधे सवाल ये है, ये बौखलाए हुए हैं आज भी, धर्म, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, जो मोदी की भाषा है वही भाषा को इन्होंने अडॉप्ट किया है और उसी भाषा के आधार पर अपना प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं। वही जातिगत समीकरण कि जी फला जाति के लोग मेरी तरफ आ जाएं, मैं जागरण करवा दूं, मैं उस बाबा को बुला लूं, उस इलाके में करवा दूं, उस इलाके के मेरे पास कुछ वोट आ जाएंगे, तो भाई साहब हर एक वर्ग परेशान है। किसी के बाबा के जागरण करने से वोट नहीं मिला करती, वोट मिलती हैं काम करने से, वोट मिलती हैं मिलनसार व्यवहार दिखाने से। आपको जनता के बीच में आना था, 10 साल हो गए, एक छठ पूजा के अलावा बता दो आप कब आए हैं? आपके लोगों ने पोस्टर ही देखे रोडों पर, आपको व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है। आपका यमुना विहार में एक हेड ऑफिस हुआ करता था, वो सदा खाली ही रहा। अब आप वहां गुब्बारे लगा के घूम रहे हो, उस गली के अंदर आपने बैनर लगवा दिए, रिक्शे लगवा दिए, वो गली वाले भी आपको देखना पसंद नहीं कर रहे। आलम तो ये है, आलम ये है कि वो गली वाले बाहर निकल के नहीं आ रहे और आप वहां रिक्शे लगवा के घूम रहे थे और रिक्शे खाली जा रहे थे। ये बदलाव की आहट है, ये बदलाव की आहट है कि बदल रहा है मौसम, सुधर जाओ और चले जाओ, या तो नॉमिनेशन वापस ले लो जैसे आप दबाव बना रहे हो, वरना देखो जनता आपको तिरस्कार कर चुकी है और जनता जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि उसकी सोच और उसकी गूंज आने वाले अगले 5, 10, 20 साल तक सुनाई देगी कि एक लड़का जिसे आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के बदनाम किया, ठीक है, कतरे कतरे के बदनाम किया, एक बंदा हो रहा है जो कतरे कतरे कह रहा, जो कुछ दिन पहले तक भी कांग्रेस पार्टी का मुखिया बना घूम रहा था, वो ललन टॉप को बोलता है कि टुकड़े टुकड़े से कतरे कतरे हो गई, शर्म आनी चाहिए, इस लड़के से आप डर के भाग गए। अरे ये आपका दिखाता कि आपका सोच कितनी गंदी है। आपने इनडायरेक्टली मनोज तिवारी को सपोर्ट किया, जनता सब देख रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, नुकसान पार्टी का नहीं हो रहा, नुकसान उनका हो रहा, छवि खत्म हो गई। व्यक्तिगत रूप से जो कांग्रेस ने एक रहमो गरम, एक भाईचारा दिखाया, आपको तो पहले लेना नहीं चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने आपको लिया, लेने के बाद आपको इतना ऊंचा पद दिया और आप बीच रण में, बीच युद्ध में आप कांग्रेस को धोखा देके भाग